सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल यह बिपरजॉय साइक्लोन इस टाइम इसकी स्थिति गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के ये जो सम्मिलित बॉर्डर है यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद के आसपास कई क्षेत्रों में तीव्र तूफान और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जिलों से कमेंट आए हैं कि सर आगामी दिन में इसका ट्रैक किस तरह के रहने वाला है। तो दोस्तों आपको 17 जून का इसका ट्रैक कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इसकी वजह से दोस्तों आपको राजस्थान के यानी कि ये जो अजमेर संभाग के नागौर, टोंक और भीलवाड़ा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में भयानक बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इसका आगामी दिनों में ट्रैक यानी कि 18 जून को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और इस साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से आपको भरतपुर और जयपुर संभाग में 18 जून को भयानक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो दोस्तों कुछ इस तरह की ही स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के कई जिलों से कमेंट आए हैं कि आगामी दिनों में यह किस तरह से बारिश करेगा। तो दोस्तों धीरे धीरे ये अब अजमेर संभाग और आगामी दिनों में दोस्तों यह जयपुर और भरतपुर संभाग में सर्वाधिक तबाही मचाने वाला है। इसकी वजह से आपको आगामी दिनों में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर और अजमेर सहित चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। पुरानी वीडियोज में कुछ लोग उत्तर प्रदेश से भी कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों आपको 19 जून को इसका इफेक्ट उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं इनमें आपको देखने को मिलेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, दिल्ली एनसीआर के आसपास सटे हुए गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश और दोस्तों कुछ स्थानों पर हवाओं की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको देखने को मिलेगी।